नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमारे पास आ गई है 160 ऑल न्यू 2023 SP। तो इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या इसका ऑन रोड प्राइस है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ग्लॉसी रेड कलर में आपको मिलती है और इसका इंतज़ार था काफ़ी टाइम से मुझको भी, बट मेरे पास ये गाड़ी काफ़ी लेट आई है। बट जैसे ही आई मैंने सोचा आप लोगों को नया अपडेट मैं दे दूँ अपनी तरफ से 160 में। अब इसमें क्या क्या आपको फ़ीचर्स मिलेंगे, इसका ऑन रोड प्राइस क्या है, कितने वेरिएंट्स में अभी तक ये आई है, और साथ में हम कंपैरिजन वीडियो भी एक लेके आएंगे 125 और 160 का, कि अगर जो लोग 125 या 160 लेना चाहते हैं उन दोनों में आपको क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और कौन सी बेटर आपके लिए हो सकती है। तो शुरू करते हैं हम वीडियो को और दिखाते हैं आपको गाड़ी के सारे फ़ीचर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रंट लुक से। तो फ्रंट लुक आप देख सकते हैं इसका होंडा की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, ब्लैक कलर का आपको काउल देखने को मिलेगा, रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, और ये आपको ग्लॉसी लुक में रेड कलर आपको देखने को मिलता है, शाइनिंग ग्लॉसी लुक में। तो देख रहे हैं आप बहुत ही गजब का स्पोर्टी लुक आपको इसमें देखने को मिलता है और काफ़ी हैवी बाइक आपको ये देखने को मिलती है। अगर हम कंपेयर करें तरीके से इसको TVS अपाचे से तो बिल्कुल आपको सिमिलर ही मिलेगी बॉडी में भी, और इसके जो टायर्स वगैरह हैं और हैवीनेस है सब कुछ आपको लगभग लगभग सेम ही देखने को मिलेगा। और जिन्हें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था कि SP125 काफ़ी हल्की है, टायर्स उसके हल्के हैं, तो आज मैं आपको इन सब में सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा क्या क्या आपको इसमें चेंज देखने को मिलता है SP125 के कंपेरिजन में। तो आप देख सकते हैं ये है लुक इसका फ्रंट का, और टायर थोड़ा सा वही आपको थोड़ा सा स्लिम तो फ्रंट का देखने को मिलेगा ही, क्योंकि एवरेज भी आपको काफ़ी अच्छा इसमें देखने को मिलेगा। और अब आ गई है सिंगल चैनल ABS के साथ में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल चैनल ABS मिलता है आपको, ABS की यहाँ पे ब्रांडिंग आप देख सकते हैं मिल जाएगी, सस्पेंशन आपको वही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं इसमें आपको, और मैं आपको इसका फ्रंट का आप देख सकते हैं तो रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको इसमें देखने को मिलता है फेंडर में इसके, तो फ्रंट का फेंडर आप देख सकते हैं इसका। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जस्ट इसके सस्पेंशन के ऊपर आपको एक फाइबर का ग्रिप देखने को मिल जाएगा, साइड का इसका काउल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी होंडा की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी ग्राफिक्स के साथ में, और यहाँ पे कुछ आपको टैंक की तरफ से एक स्पोर्टी लुक यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलता है, और यहाँ पर आएगा रेड एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन प्लस ग्राफिक्स के साथ में आप देख सकते हैं, तो कुछ इसका लुक आपको दूर से ऐसा मिलेगा। ये रही पूरी आप देख सकते हैं बाइक, और यहाँ पे SP की ब्रांडिंग आपको 3D लुक में देखने को मिल जाएगी, ये ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलता है साइड लुक में, और यहाँ पे 160 की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और सबसे जो हटके चीज़ इसमें देखने को मिलती है वो मैं आपको टेल लाइट इसकी दिखा देता हूँ, जो LED मिलती है टेल लाइट्स, एंड तो ये रही इसकी टेल लाइट्स कुछ आप देख सकते हैं वो LED इसमें मिलती है, और इसकी हेडलाइट भी हमें LED ही देखने को मिलती है, जो हमें LED मिलती है, और यहाँ पे आपको LED की मेंशन भी देखने को मिल जाएगा LED। चलिए मैं लेके चलता हूँ इसके आपको एग्जॉस्ट की तरफ, तो काफ़ी हैवी आपको एग्जॉस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, काफ़ी बड़ा एग्जॉस्ट आपको मिलता है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं फुली मैट ब्लैक में आपको एग्जॉस्ट मिलेगा, बाकी क्रोम का आपको यहाँ पर कवर मिल जाएगा, और ये प्लेन के लिए कुछ फुटरेस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे फुटरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं। तो नीचे की अगर मैं बात करूँ तो कुछ कुछ पार्ट्स आपको ब्लैक में मिलेंगे, कुछ ग्रे कलर में मिलेंगे, रेड ग्रे ब्लैक का कॉम्बिनेशन ट्रिपल टोन में आपको लगभग कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिल जाएगा। और जो सबसे बड़ा चेंजेस इसमें मिलता है वो मेन इंजन का ही मिलता है, 162 का आपको यहाँ पर 4-स्ट्रोक ऐसा इंजन देखने को मिल जाता है, तो आप इंजन इसका देख सकते हैं काफ़ी हैवी इंजन मिल जाता है इसमें। और मेन जो इसका टायर है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, काफ़ी ब्रॉड काफ़ी बड़ा टायर आप देख सकते हैं, रेयर जो टायर है काफ़ी बड़ा टायर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और टायर अगर मैं साइज़ की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ तो 170 इंच का आपको रेयर का टायर देखने को मिल जाता है, और रेयर प्रोफाइल कुछ ऐसी आपको मिलती है होंडा की, यहाँ पर ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, और ये है कुछ इसकी रेयर प्रोफाइल का। रियर सस्पेंशन की मैं बात करूं तो इसका हाइड्रोलिक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप देख सकते हैं सिंगल सस्पेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं हम इसके
कर वेट की, तो लगभग 141 केजी इसका आपको कर वेट देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं इसके इंजन की, 162.70 का आपको इंजन देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इसके पावर की बात करूं तो 13.46 PS की आपको पावर देखने को इसकी मिल जाती है। और अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूं तो 14.58 NM का आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है इसका। माइलेज की मैं बात करूं, क्योंकि इंजन थोड़ा सा आपका बढ़ गया है तो माइलेज थोड़ा सा आपको अगर मैं 125 से कंपेयर करूं तो थोड़ा सा आपको यहां पे कम देखने को मिल जाता है कंपैरिजन 125-160। और लगभग समथिंग आप मान लीजिए 48-45 के करीब 50 समथिंग आपको आराम से माइलेज इसमें देखने को मिल जाएगा, बाकी आपकी राइड पे डिपेंड करता है। बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की, तो लगभग 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। और अब जितनी भी बाइक्स आएंगी आपको E20 ही वाली मिलेंगी। E20 पे मैंने एक फुली पर्सनली वीडियो बना रखा है कि E20 में आपको अब क्या चेंज मिलेगा, जो E20 का चेंजेस अब सभी इंजन में देखने को आपको मिलेगा जितनी भी बाइक्स आएंगी। तो 12 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। और कर्व वेट लगभग आपको 141 केजी इसका कर्व वेट देखने को मिलेगा। व्हील बेस की मैं अगर इसके बात करूं, 1347 का व्हील बेस आपको इसका मिलता है देखने को। ग्राउंड क्लियरेंस की हम बात कर लेते हैं तो 177 mm की यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलती है इसमें। तो ये रही कुल मिला के गाड़ी, तो काफ़ी सारे अपडेट किए, काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं 160 में। और जैसा कि मैंने बता ही दिया आपको कि वेट और काफ़ी सारे फीचर्स इसमें बढ़े हैं। बात कर लेते हैं इसके मेन फीचर्स की, जो यहाँ पे हमें मिलती है इसकी एक डिजिटल स्क्रीन, ये आ जाता है इसका मीटर, फुली डिजिटल मीटर आपको इसमें देखने को मिलेगा। क्या क्या फ़ीचर्स इसमें मिलते हैं चलिए उस पर हम बात कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे आपको ABS की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे हमारी क्लॉक आ जाएगी, गियर पोजीशन इंडिकेटर आ जाएगा आपका यहाँ पे, और यहाँ पे स्पीडोमीटर डिजिटल यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे कुछ ये चेंजेस आपको, तो ये आपका किलोमीटर्स के यहाँ पे, या आप इससे बटन को पुश करेंगे तो किलोमीटर्स और ये वोल्टेज बैटरी वगैरह ये सब यहाँ पे शो करेगा। और माइलेज एवरेज भी इसका यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप देख सकते हैं एवरेज भी यहाँ पे शो करेगा कितना एवरेज अभी ये दे रही है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ठीक ठाक इसमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और ये आ जाते हैं इसके बटन्स, तो ये इंडिकेटर आ जाता है। हज़ार्ड लाइट का भी आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप ये देख सकते हैं हज़ार्ड लाइट हमारी ऑन हो गई है। चलिए लेके चलता हूँ मैं इसके इंडिकेटर की तरफ, तो ये रहा इसके फ्रंट के कुछ इंडिकेटर, तो हज़ार्ड लाइट आपकी ऑन हो गई। और रियर का कुछ लुक इसका ऐसा आता है, ये रहा रियर का लुक, ये हज़ार्ड लाइट ऑन है और गाड़ी का आप इस टाइम लुक देख सकते हैं। टेल लाइट्स, और जैसा कि मैंने बताया हेडलाइट आपको यहाँ पे LED ही देखने को मिलती है। तो काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। चलिए लास्ट में मैं आपको 1-2-3 करके सारे चेंजेस बता देता हूँ। 125 से जो इसमें अपडेट करा गया है, एक तो आपको इंजन अपडेट मिलेगा, बॉडी वेट में अपडेट मिल जाएगा, हज़ार्ड लाइट मिल जाएगी, एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं। और मेन इसका जो इशू था पीछे वाले टायर के लिए कि ST125 का जो टायर साइज़ है पीछे का बहुत ही स्लिम है, और इसका टायर साइज़ आप देख सकते हैं कितना मोटा आपको मिलता है। हज़ार्ड लाइट मिल जाती है, टेल लाइट LED मिल जाती है, उसमें बल्ब वाली मिलती थी, और यहाँ पे आपका वेट वगैरह और काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। ABS आपको सिंगल चैनल ABS भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो जो लोग होंडा के लवर हैं और होंडा बाइक्स जिनके पास है और अब वो अपडेट होके ST125 से ऊपर आना चाहते हैं, तो ये रही उनकी 160 होंडा SP। तो शील किशन होंडा आप आ सकते हैं, यहाँ पे आपको होंडा की लगभग सभी बाइक्स एंड स्कूटर्स देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएगा। तो बहुत ही जल्दी हम ST125 और 160 का एक कंपैरिजन वीडियो लेके आने वाले हैं। और बात करें अगर हम इसके ऑन रोड प्राइस की, तो प्राइस चलिए मैं आपको इसका बता देता हूँ। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1,42,000 रुपये आपको ऑन रोड पड़ती है, बाकी आप शोरूम आइए विज़िट करिए, प्राइस थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे कुछ भी हो। और फिर मिलेंगे हम लोग किसी नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ में। थैंक यू, बाय।